हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आज नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर सीसी में हम बैनर डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। न्यू पेज पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट न्यू पे, और इस तरीके से हमारा एक विंडो ओपन हो जाएगा। और इसमें ये देख सकते हो 3070 पे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे बैनर डिजाइन, ठीक है। और ये इस पे हम क्लिक कर देंगे और एक एक इंच हम ब्लेड ले लेंगे और इसको इस तरीके से क्रिएट कर देंगे। और फिर हम इसको इस तरीके से ले लेंगे और फिर हम इसमें मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ से फिर हम एक इलिप्स रेक्टेंगल लेते हैं और फिर इस तरीके से हम 30x70 का इस तरीके से हम ड्रैग कर देते हैं। और फिर यहाँ पे जाएंगे हम -2 इंच कर देंगे, जिससे हमारा एक एक इंच चारों तरफ से आ जाएगा। इसमें 2 कर देंगे। अगर दोस्तों ये लॉक हो तो इसको लॉक को आप हटा के ही करोगे तभी ये सही सेट आएगा। और फिर ये देख सकते हो एक एक इंच यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर राइट क्लिक करके हम जाएंगे यहाँ पे मेक के गाइडलाइन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हमारा गाइडलाइन बन जाएगा। अगर ये अनलॉक है तो इस तरीके से आपका सेलेक्ट होगा तो आप इसको लॉक कर लेना, जिससे आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा ये। अब हम फिर इसमें एक और रेक्टेंगल लेते हैं इस तरीके से और फिर यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। आउटलाइन हमारा रहने देते हैं और फिर हम इस तरीके से ये देख सकते हो डायरेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू एंकर पॉइंट स्मूथ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे ये देख सकते हो ऐड एंकर पॉइंट टूल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको हम इस तरीके से नीचे ले लेंगे, और फिर इसको यहाँ से यहाँ पे हम लेंगे और फिर इसको इस तरीके से हम और फिर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है। और फिर हम इसको आउटलाइन नन करके और इसमें अलग अलग कलर अब भर देंगे। इसको पहले कॉपी कर लेंगे, एक को कॉपी और फिर पेस्ट प्लेस, ठीक है। और इसमें अलग कलर कर देंगे, फिर इसको हम नीचे ले लेंगे। यहाँ से आप जाएंगे अरेंज और सेंड बैक करेंगे तो आ जाएगा। और फिर हम इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे और इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे और फिर यहाँ से हम जाएंगे और इसको हम इस तरीके से नीचे ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे तो एक ये शेप बन सकता है। इसको इस तरीके से हम ले लेंगे, ठीक है, ये ठीक है। और फिर इसको हम यहाँ से एक और कॉपी करेंगे, कॉपी और यहाँ से देख सकते हो पेस्ट प्लेस, और इसमें भी हम अलग कलर कर देते हैं और फिर इसको भी हम यहाँ से जाएंगे अरेंज में सेंड बैक और इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे भी और इसको हम इस तरीके से ऊपर कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी हम आएंगे इस तरीके से एक और रेक्टेंगल लेके और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे इसमें ब्लैक करके और यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज में, ये देख सकते हो सेंड बैक कर देंगे और फिर हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे, ये देख सकते हो शेप बिल्डर टूल, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें फिलहाल हम दूसरा कलर लेते हैं, इस तरीके से एक बन गया, 2, 3 और इसमें एक 6
चार पाँच छः, ठीक है, और ये हमारा सिंगल ही रहेगा, ठीक है। और फिर हम इसको अलग अलग कलर करके हम वो ले लेते हैं, और ये सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर इसको इसको और इसको कट करके, और जो भी बचा है हमारा ऑल सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और फिर इसको पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम इसमें ये देख सकते हो इलिप्स हम ड्रैग करेंगे, इस तरीके से इलिप्स ले लेंगे, और इसको हम यहाँ पे रखेंगे, साथ ड्रैग करेंगे तो हमारा चारों तरफ से इस तरीके से बराबर आएगा, ठीक है। और फिर इसको कॉपी और पेस्ट प्लेस, और इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, और फिर इसको शिफ्ट के साथ ही हम इसमें कलर करते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, इसमें हम ये कलर हम फिल करेंगे, ये कलर थोड़ा सा, और इसको 100 कर देंगे, थोड़ा सा कम करेंगे, ये ठीक है। और फिर हम इसमें और बिल्कुल लाइट कलर का येलो फिल करेंगे, ये कलर, ये ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे, स्वॉचेस को ऑन करेंगे, ये देख सकते हो स्वॉचेस, और फिर इसको ऑन करेंगे, और फिर यहाँ से हम जाएंगे ग्रेडियंट मेटल गेम फ्रूट्स, इसमें ये देख सकते हो ये है हमारा सिमंस, और इसको इसको सेलेक्ट करके हम इसमें ये वाला फिल कर देंगे, और फिर इसको और इसको सेलेक्ट करके हम ये देख सकते हो ये वाला फिल कर देंगे, ये काफ़ी अच्छा शेप बन जाएगा। अब हम फ्रेंड इसमें जो मैटर सेट करने वाले हैं उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे, देख सकते हो फाइल, फाइल में जाके हम यहाँ से देख सकते हो कंट्रोल ओ भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, और इस ये है हमारा मैटर, इसको हम इस तरीके से कॉपी कर लेंगे, देख सकते हो कॉपी, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे साइड में कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोगो यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको इसके अंदर ही रखेंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लेके चले आएंगे, और आपको वन बाय वन हम फॉर्म भी बताएंगे। पहले तो हम इसके लिए एक यहाँ से लेंगे, देख सकते हो राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स, ठीक है, इसको जूम कर लेंगे, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक, और फिर ये की वाला एरो प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आएगा, देख सकते हो। और फिर हम इसमें वाइट फिल कर देंगे इस तरीके से, और फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट सेंड बैक, ठीक है, एक बार और करेंगे, अगर नहीं आएगा तो इसे कंटिन्यू करेंगे तो आ जाएगा, देख सकते हो। और फिर थोड़ा सा हम इसको बड़ा रखेंगे, ये ठीक है। और ये फॉन्ट देख सकते हो फ्रेंड कौन सा है, ये है हेलवेटिका न्यू कम्स 77 बोल्ड कंडेंस है, ठीक है। और ये रेड कलर यही सेम है हमारा जो अभी इसमें हम रखे हुए हैं, ये देख सकते हो सेम वही कलर है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे जाते हैं, इसका क्या फॉन्ट है इसको भी आपको बता देते हैं, इसका और इसका सेम है, देख सकते हो 83 हेलवेटिका न्यू बोल्ड, ठीक है, ये बोल्ड है, इसमें कोई वो नहीं है। ये सर्कल हमने और इलिप्स से बनाया हुआ है, ठीक है, और इसमें हम ये रेड की जगह ये येलो कलर हम फिल करेंगे, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे। और ये देख सकते हो हेलवेट का न्यू रेगुलर 83 पीटी। और फिर हम यहाँ जाएंगे विंडो, ये देख सकते हो टाइप, ये देख सकते हो कंट्रोल टी भी प्रेस करेंगे तो ये करेक्टर ऑप्शन हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देख सकते हो हमने इसमें ट्रैकिंग बढ़ा रखा है 350 और सब 100 और सब ठीक है हमारा, ठीक है, सिर्फ हमने ट्रैकिंग बढ़ा रखा है। और फिर हम इस फोन के बारे में आपको बता देते हैं, ये देख सकते हो हेलवेटिका न्यू
एलटी कम 97 ब्लैक कंडेंसर, ठीक है, और इटैलिक दो अलग करते हैं वाइट, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो पॉलीगन टूल लेते हैं और फिर एक इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे, छोटा रखेंगे इसको, ठीक है। और इसमें हम रेड कलर फिल कर देंगे ये वाला, ठीक है। और फिर हम एक रेक्टेंगल लेंगे इस तरीके से और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर देंगे और फिर इस पर सेलेक्ट करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से हम कर देंगे और फिर इसमें हम ये कलर फिल कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। और फिर हम ये देख सकते हो स्पेशल ऑफर को हम यहाँ पे ऊपर ले लेंगे, ये देख सकते हो अरेंजमेंट फ्रंट, ठीक है। और इसको इस तरीके से ड्रैग कर देंगे और थोड़ा सा इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको ऑफ करके थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ठीक है। और इसको और थोड़ा सा हम इस तरीके से स्पेशल ऑफर को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ये देख सकते हो हेलमेट का न्यू बोल्ड है 84, ठीक है। और फिर इसको हम थोड़ा और बड़ा करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से इसको और ऊपर ले लेंगे और इसको हम इस तरीके से नीचे ले लेंगे, ठीक है। और फिर हम सेल वाला भी ये देख सकते हो वन बाई वन सारे को हम यहीं ले लेते हैं और फिर अरेंजमेंट फ्रंट और फिर इस तरीके से हम ड्रैग कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ पे कर लेंगे। ये देख सकते हो ये कितना फोन साइज है हमारा, ये है 70 के आसपास। और फिर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसमें हम ये कलर फिल कर देंगे और ये देख सकते हो लिमिटेड ऑफर, ये ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और लेके इस तरीके से हम बना लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे और फिर इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है, और छोटा। और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सॉरी कॉपी और पेस्ट प्लेस, और इसको इस तरीके से हम ड्रैग कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसमें हम ये येलो कलर फिल कर देंगे और फिर हम अरेंजमेंट सेंड बैक एक ऊपर कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको फ्रंट में हम ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम ये वाला दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लेके आ जाएंगे इस तरीके से और इसको हम दोनों को यहाँ से अरेंजमेंट फ्रंट कर देंगे और इसमें हम येलो कलर नहीं वाइट फिल करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा सा इन लोगों को सबको छोटा ही रखते हैं इस तरीके से, ये ठीक है। अब हम फिलहाल इसको और इस तरीके से छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है। अब फ्रेंड हम इसमें जो इमेज सेट करने वाले हैं उसको हम वन बाय वन करके प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे देख सकते हो प्लेस, शिफ्ट कंट्रोल पी करके करेंगे तो भी आ जाएगा और यहाँ पे हम नीचे जाएंगे इस तरीके से तो हमारा इमेज एक ये है और एक ये है, ठीक है। दोनों को हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम सेंड बैक करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे क्लिपिंग मास्क, देख सकते हो क्लिपिंग मास्क, ठीक है। और इस पर सिलेक्ट करके हम अंदर चले जाएंगे और फिर इसको बढ़ा लेंगे जहाँ भी हम सेट करना जैसे भी चाहते हैं वहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा हमारा। इमेज को भी बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से और फिर इसको हम फ्रंट पे ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके अरेंजमेंट फ्रंट,
ठीक है। और फिर इसको सिलेक्ट करके हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर वही सेम क्लिपिंग मास्क, और फिर हम इस पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा बड़ा कर देंगे इसको इमेज को, ये ठीक है फ्रेंड। और इसको ये इतना सिलेक्ट करके और फिर इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे, और फिर हम अरेंजमेंट फ्रंट, ठीक है। और फिर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट प्लेस, और यहाँ पे जाके हम सेंटर है ये, यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे और इसको छोटा करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे कर लेंगे, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे नीचे चला गया, और फिर इसको सिलेक्ट करके और इसमें ये ग्रेडियंट वाला जो रेड है इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से हमारा रहेगा। और फिर इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे और फिर अनसेलेक्ट कर देंगे सारे, इसको भी और इसको भी, बच गया ये। और फिर हम इसको अरेंज करके फ्रंट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, और इसमें कम से कम 5 हम करेंगे, 5 बहुत कम है, 15 कर देंगे। और फिर ये ब्लैक की जगह हम वाइट फिल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और कमेंट करें। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।